राजधानी में टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है। शायद यही वजह है कि वैक्सीनेशन के मामले में लखनऊ नंबर एक पर पहुंच गया है। वर्तमान में राजधानी लखनऊ में 24 लाख से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें 18 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 6 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लग गई है। इन आंकड़ों की जानकारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमके सिंह ने भारतखबर.com से विशेष बातचीत के दौरान दी। उन्होंने विशेष बातचीत के दौरान कहा कि लखनऊ में लगातार वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ रही है, लोग स्वयं आकर टीकाकरण करवा रहे हैं। वैक्सीनेशन कैंप के जरिए स्लॉट बुकिंग वाली समस्या को भी दूर कर लिया गया है। बीते दिनों लखनऊ में मेगा वैक्सीनेशन डे आयोजित किया गया था, वैसे ही आने वाले दिनों में भी बिग वैक्सीनेशन डे आयोजित करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वहीं अगर बात करें लखनऊ की, तो टीकाकरण का क्या व्यवस्था है, किस तरीके से टीकाकरण की आंकड़े बता रहे हैं, ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमके सिंह जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन के मामले में कीर्तिमान हासिल कर रहा है, लेकिन लखनऊ की वर्तमान की क्या स्थिति है? देखिए, लखनऊ की जहाँ तक हम देखें, हम लोगों ने जो है वो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ किया था और 38 लाख से ऊपर, तकरीबन 38 लाख 40 हज़ार के लोगों को वैक्सीनेट किया जाना था और कल तक हम लोगों ने 24 लाख 27 हज़ार डोजेस बेनिफिशरीज को दी हैं, जिसमें पहली डोज जो है वो 18 लाख 27 हज़ार की है और दूसरी डोज जो है वो 6 लाख के ऊपर की है। तो प्रत्येक दिन हम लोग जो है वो वैक्सीनेशन में, जो हम लोग का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग वैक्सीनेट हो पाएँ, तो हम लोग जो है प्रत्येक दिन जो है वो मैक्सिमम बेनिफिशरीज को वैक्सीनेट कर रहे हैं। सर, लखनऊ में तमाम जगहों पर कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, क्या कुछ जनता से इससे मदद मिल रही है और किस तरीके की यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने, उनको क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, लखनऊ में हम लोगों ने वर्कप्लेस CVC बनाई है और ये वर्कप्लेस CVC खासतौर से ऐसी जगहों पर बनाई गई है जिनको अपना स्लॉट बुक करने में दिक्कत होती थी, तो यहाँ पर लाभार्थी केवल जो है वो अपना मोबाइल और आईडी, वैलिड आईडी लेके जाता है, वहीं पर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वहीं उसका वैक्सीनेशन हो जाता है, तो स्लॉट ना मिलने ऐसी समस्या नहीं होती। और साथ ही साथ जो है बहुत से ऐसे लाभार्थी जो है वो टीकाकृत हो जाते हैं। तो ये वर्कप्लेस CVC के पीछे कॉन्सेप्ट भी यही है कि जो हमारे जो है वो मजदूर हैं या रेहड़ी पटरी वाले हैं या अनपढ़ हैं जो स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ही स्थान पर इन सारे लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया जाता है। सर, अब शनिवार को दूसरी डोज के लिए आरक्षित कर दिया गया है, इसके पीछे की क्या मंशा है? देखिए, शासन की और प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की ये स्पष्ट आदेश हैं और मंशा भी है कि प्रत्येक व्यक्ति वो हमारी कोविड वैक्सीन, चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, इन दोनों में से कोई भी वैक्सीन की दो खुराक उनको दिया जाना है। इसके लिए प्रत्येक शनिवार को, सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को द्वितीय डोज के लिए जो है वो दिन फिक्स किया गया है और जिसमें केवल सेकेंड डोज लाभार्थी प्रतिरक्षित किए जाते हैं। सर, अगर बात करें स्लॉट बुकिंग की भी, अपने बात की, अब कहीं ना कहीं जो स्लॉट बुकिंग की समस्या है वो कम हो गई है, तो लगातार क्या टीकाकरण में जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लोग लाभार्थी जल्दी जल्दी आके टीका करवा रहे हैं? देखिए, लाभार्थियों की अभी भी अच्छी खासी लाइन लगी हुई है, किसी का फर्स्ट डोज है, किसी का सेकेंड डोज है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि शनिवार को प्रत्येक दिन जो है वो सेकेंड डोज जो है वो फिक्स किया गया है सप्ताह में, और वो उसके पीछे की मंशा बताया कि प्रत्येक व्यक्ति दो डोज से आच्छादित हो, जिससे तथाकथित एक थर्ड वेव की आशंका जो व्यक्त की जा रही है उससे जो है वो हमारी सारी जनता जो है वो पूर्णतया सुरक्षित रहे। एक छोटा सा सवाल सर और पूछना चाहूँगा, अभी हाल ही में मेगा वैक्सीनेशन दिवस मनाया गया था जिसमें तमाम जगह कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीनेट किया गया था, अब क्या आने वाले भविष्य में इस तरीके की कोई दोबारा दिवस मनाया जाएगा या इस तरीके कोई दोबारा एजेंडा तैयार किया जाएगा? देखिए, बहुत जल्दी ही हम लोग फिर एक बिग वैक्सीनेशन डे मनाएंगे और पिछली बार जिस तरीके से लखनऊ ने तकरीबन 80,000 लोगों को वैक्सीनेट किया था, तो इसी तरीके का एक कीर्तिमान जो है वो पुनः लखनऊ स्थापित करेगा। आज की तारीख में आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि प्रदेश में लखनऊ जो है वो सबसे ज़्यादा टीका लगाने वाले जनपदों में है और हम लोगों ने मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट किया है, हम इसी क्रम को आगे भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।
तो ये थे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमके सिंह। इनका साफ तौर पर कहना था कि लखनऊ वैक्सीनेशन के मामले में नंबर वन है और आगे आने वाले समय में एक बार फिर से मेगा वैक्सीनेशन डे मनाकर और भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। फिर बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, भारत खबर, लखनऊ।